सांता क्रूज में बन गया है जानलेवा खड्डा, लोग होंगे हादसे का शिकार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सांता क्रूज पश्चिम और खीरा नगर रोड के बिल्कुल बीच में एक पेट्रोल पंप है एनबी रोड पे स्थित। इसी जगह पर एक काफी जानलेवा खड्डा आप सभी देख सकते हैं। इस खड्डे पर सैकड़ों गाड़ियां गुजरती है लेकिन इस पर बीएमसी की नजर नहीं पड़ती। सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि करोड़ों लाखों रुपए का बजट रोड के दुरुस्ती के लिए पास होता है लेकिन यहां पर आप देखिए कि कैसे मुख्य रोड के बीच में बिल्कुल ये जानलेवा खड्डा है। अब ये खड्डे की वजह से अगर हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बीएमसी होगी या स्थानीय लोग होंगे, क्योंकि लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मजबूरी भी है, इस रोड से गुजरना ही पड़ेगा। और इसी के बीच में ये खड्डा भी है और अब ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस खड्डे को लेकर शिकायतें तो गई है लेकिन इस पर बीएमसी कोई संज्ञान लेगी या इस खड्डे को दुरुस्त किया जाएगा या लोग ऐसे ही हादसे का शिकार बनते रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो क्लिप, देखिए कि सांता क्रूज पश्चिम के खीरा नगर और जो एनबी रोड है वहाँ पर ये जानलेवा खड्डा है। सांता क्रूज वेस्ट एसपी रोड कोई ना कोई गिरता हुआ, एक दो ना दिल्ली का एक दो तो गिरता हुआ कोई ना कोई होता दो दिन से टूटे हो दो दिन से टूट गया इमीडिएटली बनाने से एक बज गया भाई सर कोई गिर जाएगा गाड़ी के नीचे जाएगा। रात का टाइम डेंजर। हाँ रात के बहुत डेंजर, बाकी वाला भी डेंजर में पटक गया तो सीधे साइड पे आके उल्टा हो जाएगा सर। इधर जाएगा उधर पीछे बड़ा गाड़ी होता है ट्रक वाला स्पीड में वो उछल लेगा जी। इससे एम टी एन सर ये भी थोड़ी क्रैक हो गया किसी ने झाड़ लगाया इधर बेच वाला उड़ा के गया। बेच के वाला वो झाड़ उड़ा के गया इंजर कर रहा था टिकट वाले के बाद बहुत डेंजर देखो ना जगह नहीं है ना उसको। हाँ पत्रा इतना नजदीक है कम से कम उसमें मट्टी अच्छा मट्टी भर देना चाहिए लेवल करना चाहिए मट्टी भर के तो क्या अंदर नहीं जाएगा गाड़ी तो करेंगे वो लोग लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। बीएमसी एचवीएस एचवीएस के अंदर आ रहे उसके डर जाएगा तो टेम्पो ठीक है तो बड़ा गाड़ी का ऐसा होता है छोटा गाड़ी तो ऐसा गिर जाएगा ऐसा अच्छा डायरेक्ट ऐसा उसे है ना लाइट भी नहीं है लाइट नहीं है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।